चार मीडियम आकार के प्याज, दो तेज पत्ता, अदरक लहसुन का पेस्ट, तेल 3 बड़े चम्मच, हरा मटर 1 कटोरी, मशरूम 200 ग्राम साफ किए हुए, तड़के के लिए जीरा, लौंग, 2 छोटी इलायची, कबाब चीनी जैसा आप देख रहे हैं, लहसुन साबुत छिले हुए, अदरक 1 टुकड़ा जिसको हम बारीक बारीक काट लेंगे, 1 चम्मच जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच, काजू 5-6 पीस, गार्निशिंग के लिए हरे धनिया पत्ते। सबसे पहले हम प्याज को काट लेते हैं ऐसे। लौंग, दालचीनी और कबाब चीनी डाल देते हैं। इसको भूरा होने तक थोड़ा सा चलाते हैं। लहसुन अदरक जैसे हमने रखे हैं खड़े, इसको हम इसमें डाल देते हैं। इसको जरा सा चलाते हैं। इसके बाद ये जो प्याज है हम इसमें डाल देंगे। इसको मिला देंगे। तो हम भुनेंगे इस तरह से इसको गलने तक।
इसको जल्दी गलाने के लिए इसको इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, डाल इसको मिला देंगे। ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं हमारा प्याज थोड़ा सा गल रहा है। इसको फिर से थोड़ा ढक देते, थोड़ा और गलने देते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे प्याज थोड़े थोड़े ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देख रहे हैं प्याज इसमें अब हम हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच डालेंगे, जीरा पाउडर एक चम्मच, मिर्ची पाउडर एक चम्मच। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी और मिर्ची डाल सकते हैं। सारे मसालों को मिक्स करेंगे। और फिर इसमें मटर मिला देंगे, इनको अच्छी तरह से मिलाकर इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसको धीमी आंच में ढक देंगे 4-5 मिनट पकने के लिए। फिर बीच में खोल के दिखेंगे कि हमारा मशरूम पका कि नहीं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा मशरूम गलना शुरू हो गया है और इसको ऐसे ही पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए। देखते हैं कि हमारा सब्जी पक रहा है। इसमें थोड़ा सा नमक और डालते हैं, पहले हमने आधा चम्मच में थोड़ा सा और डालते हैं स्वाद के अनुसार। और इसमें जो गरम मसाला है हम उसको एक चम्मच डालते हैं, उसको मिला के अच्छे से मिला देते हैं। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये लगभग पक चुका है। थोड़ी देर के लिए हम और इसको छोड़ देते हैं
इसी तरह से। अभी हम देखते हैं कि हमारी सब्जी पूरी पक के तैयार हो गई है। अब हम इसमें जो काजू था उसको तल लिए हैं और इसमें हम डाल लेते हैं। इसमें जो धनिया पत्ती है गार्निशिंग के लिए, इसमें थोड़ा धनिया पत्ती डाल लेते हैं और थोड़ा रख लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी सब्जी तैयार हो गई है। गैस को बंद कर देते हैं और इसको सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। इसको हम प्याज के टुकड़ों से सजा लेते हैं। इस पे धनिया पत्ती छिड़क देते हैं। और देखिए हमारा मशरूम मटर दो प्याजा तैयार है।